नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, ऑलरेडी कई लोगों के ऊपर सैलरी के संकट मंडरा रहे हैं, कईयों के ऊपर ईएमआई के संकट है, कईयों के बिजनेसेस में लॉस आने की संभावना है क्योंकि 3 महीने का लॉकडाउन पीरियड हो चुका है। और ऐसे में अगर आपका बैंक अकाउंट पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर उत्तर प्रदेश में है तो आपके ऊपर और एक संकट आने वाला है। हम आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है और वो प्रेस रिलीज के तहत आरबीआई ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 6 महीने का बैन लाया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर की फिनेंशियल पोजीशन बहुत वीक हो चुकी थी और ऐसे में आरबीआई ने उनके ऊपर बैन लाया है। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो ये है प्रेस रिलीज, आरबीआई की तरफ से आया है और आरबीआई ने बोला है कि ये जो बैंक है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर, ये बैंक जो है ये अब आरबीआई के अप्रूवल के बिना कोई भी नए लोन इशू नहीं कर सकती या फिर नए लोन रिन्यू भी नहीं कर सकती। बैंक कहीं भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। बैंक कोई भी लायबिलिटी, कोई देना क्रिएट नहीं कर सकते है, कहीं और से कर्जा नहीं ले सकते है। साथ ही साथ बैंक कहीं और से फ्रेश डिपॉजिट, मतलब बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट भी नहीं रख सकते हो। साथ ही साथ बैंक कोई भी पेमेंट डिस्पर्स नहीं कर सकते है और नए ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं कर सकते है। और बैंक को ये भी अधिकार नहीं है कि वो अपने असेट्स ट्रांसफर करे या बेचे। बैंक के पास जो भी असेट्स है, जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, वो कोई भी चीज बैंक बेच नहीं सकती या फिर ट्रांसफर नहीं कर सकती है। और बैंक का 10 जून के बाद शाम को ऑपरेशंस आरबीआई ने क्लोज कर दिया है। बैंक को ऐसा बोला गया है कि ये जो आरबीआई का प्रेस रिलीज है ये बैंक ने अपने प्रिमाइजेस में लगाना चाहिए। और साथ ही साथ आरबीआई ने ऐसा बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने सेविंग अकाउंट या फिर आपका करंट अकाउंट है बैंक में, तो आप बैंक से पैसे आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आप नहीं निकाल सकते। अगर आपका पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक कानपुर उत्तर प्रदेश में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उसमें से अगर सेविंग या करंट अकाउंट में से आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही धक्का देगी आपको, टेंशन देगी आपको। आप ये बैंक से अब पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते है। आरबीआई ने बोला है कि ये जो डायरेक्शन दिए गए हैं बैंक को ये 6 महीना तक चलने वाले हैं। 10 जून के बाद आने वाले 6 महीने तक बैंक अपना कोई भी व्यवहार नहीं कर सकती। हम आपको बता दें, इसका ये मतलब नहीं होता कि बैंक का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। बैंक के ऑपरेशंस को आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं, बैंक का लाइसेंस अभी भी जारी है, बैंक के इंप्रूव होने की संभावना है, इसलिए आरबीआई ने उनको लाइसेंस कैंसिल नहीं किया। बैंक फिर अपने ऑपरेशंस में आएगी, लेकिन 6 महीना तक ऐसे हो सकता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये फिक्स है, आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। आपका अगर फिक्स डिपॉजिट भी है तो भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।